पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के मामले में सोमवार को एसआईटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 3 सीलबंद लिफाफों में अपनी जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं फिरौती के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने छात्रा की स्टे की मांग को नामंजूर कर दिया है। साथ ही धारा 164 के तहत दोबारा कलम बंद बयान दर्ज करवाने की छात्रा की मांग को भी अदालत ने ठुकरा दिया है। सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि छात्रा को गिरफ्तारी पर रोक के लिए दूसरी कोर्ट में अर्जी देनी होगी, दोबारा बयान की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के अधिकार पर आपत्ति सही नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर की तारीख तय की है। पेन ड्राइव, सीडी और अन्य कई दस्तावेजों के साथ सौंपी गई एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट से अदालत ने संतुष्टि जताई है। इसके अलावा एसआईटी के आईजी नवीन अरोड़ा ने कोर्ट के सामने फिरौती मांगने की आरोपी छात्रा और उसके दोस्त संजय की कॉल डिटेल पेश करते हुए बताया कि दोनों के बीच 40,200 बार बातचीत हुई है। छात्रा के वकील रवि किरण जैन का कहना है कि जिस समय धारा 164 के तहत छात्रा के बयान दर्ज किए जा रहे थे तो वहां एक तीसरी महिला भी मौजूद थी जो अपने मोबाइल पर लगातार कुछ कर रही थी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ने बयान के हर पन्ने पर छात्रा के हस्ताक्षर नहीं लिए थे। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर पेज पर हस्ताक्षर करवाए जाएं। तीसरी महिला की मौजूदगी का मामला ट्रायल कोर्ट विचरण के दौरान देखेगा। इस आधार पर बयान की अनुमति दोबारा नहीं दी जा सकती। मामले को लेकर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट से मांग की कि सुनवाई चैम्बर में की जाए। इस पर स्वामी चिन्मयानंद के वकील दिलीप कुमार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एसआईटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दे रही है, इस मामले में गोपनीयता की कोई जरूरत नजर नहीं आती। इसके बाद कोर्ट ने चैम्बर में सुनवाई की मांग को भी नामंजूर कर दिया। बता दें कि सोमवार सुबह तबीयत बिगड़ने के कारण चिन्मयानंद को सुबह 7 बजे एंजियोग्राफी के लिए शाहजहांपुर जिला कारागार से KGMC लखनऊ भेजा गया है। चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली LLM की छात्रा फिरौती मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पिता और भाई के साथ रविवार को प्रयागराज चली गई थी। मालूम हो कि SIT ने अपनी जांच में जहां छात्रा के आरोपों के साथ चिन्मयानंद को दोषी पाया, वहीं 5 करोड़ की फिरौती मामले में संजय, विक्रम, सचिन के साथ साथ उस छात्रा को भी दोषी पाया गया है। स्वामी और फिरौती के आरोपी युवकों को जेल भेजे जाने के बाद अब ये तय है कि छात्रा की भी गिरफ्तारी होगी। SIT शनिवार को देर शाम जेल पहुंची थी और आरोपी सचिन, संजय, विक्रम के फिर बयान दर्ज किए थे। क्योंकि छात्रा को भी एहसास है कि पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उसने हाईकोर्ट की महिला वकीलों से राय लेना शुरू कर दिया है और अपने पिता और भाई के साथ इसी सिलसिले में वो प्रयागराज गई थी। पॉलिटिकल डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस।